गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास फोर्थ की मैथमेटिक्स की क्लास है और आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज है डिवीज़न की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 27 मेंस अर्न 1,02,060 अ मंथ, यानी कि जो 27 मेंस है ये एक मंथ में इतने रुपए अर्न करते हैं। दे डिवाइडेड द मनी इक्वली, उन्होंने इस मनी को इक्वली डिवाइड किया, यानी कितनों में, 27 मेंस में। हाउ मच मनी डिड दी ईच गेट मैन गेट, तो अगर एक इंसान 10 रुपये कमाता है तो एक दिन में 10 रुपये कमाता है तो दो दिन में कितना कमाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कम उसको अर्निंग करेगा। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। बट अगर एक इंसान दो दिन में 10-20 रुपीज़ अर्न करता है तो वो एक दिन की उसकी अर्निंग कितनी होगी, कम होगी, तभी तो दो दिन में ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से कम होता है, मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा। यानी कि जब आपको ज़्यादा पूछता है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर आपको आंसर कम में चाहिए तो आप क्या करोगे, डिवीज़न। सो इसका सिंपली क्या है आपको कि 1,02,060 डिवाइडेड बाय 27। अब देखिए 20 तक तो टेबल होपफुली आप सबको लर्न होगी, बट ये मैं मान के चलती हूँ। तो लेकिन अगर आप 20 के अबव जाते हो तो आप क्या करोगे, एक सिंपल मेथड है, साइड में पहले रफ पे किसी कॉपी पे आप उसकी टेबल लिख लीजिए जिससे आपको डिवाइड करना है। उसके जब आप टेबल लिख लेंगे, टेबल लिखने के बाद क्या हो जाएगा कि डिवाइड करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, डिवीज़न आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तो डिवीज़न की प्रोसेस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डिवीज़न की प्रोसेस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है और इसमें क्या होता है, हर स्टेप के बाद माइनस होता चला जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, सारे टोटल में क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए आपको इसको लिख के सॉल्व करना है, स्टेटमेंट होगी इसमें। बाकी जैसे पिछली उसमें थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, तो बस इसमें स्टेटमेंट फिल करना है और सब में डिवीज़न करना है। डिवीज़न आप ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट फॉर्म में, यहीं पर फेयर में, सामने ही कॉपी में, कहीं अलग नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये आपके 17 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज 7.2 में, और इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है, बस स्टेटमेंट लिखेंगे और देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।